कहानी मोनिका की जुबानी। मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती हूँ, पर मेरी दुनिया तब टूटकर बिखर गई थी जब दीपक ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरी कुछ तस्वीरें खींचकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में फैला दिया था ताकि मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब खत्म हो जाए। उस वक्त क्रिश भी मेरा दिल ऐसे तोड़ा था कि मैं अपने भाई अविनाश के साथ टेक्सास आ गई और वहाँ बैठी बैठी अपने भविष्य की योजना बना रही थी। मेरा भविष्य और क्रिश का भविष्य एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए जब वह मुझसे माफ़ी मांगने टेक्सास आया, मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। पर तभी पता चला कि दीपक पुलिस से फरार हो गया है। मेरे भाई अविनाश ने अपने दोस्त क्रिश को घर पर जगह दे दी ताकि वह मेरी हिफाजत कर सके। कभी सोचा नहीं था क्रिश मेरी जान बचाने के लिए 3 गोलियां सहेगा। उसकी निर्जीव शरीर को देखकर मैं टूट चुकी थी। अस्पताल में वह जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। जाने क्रिश को कितने घंटे बाद होश आया होगा, पर होश आते ही वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मेरा दिल तोड़ा था, मुझे चोट पहुंचाई थी, पर मैंने अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल का बड़ा छेद भी भरने लगा था। ऐसे ही एक और रात आ गई कि क्रिश अभी भी अस्पताल में था। मैं अस्पताल के कॉरिडोर से चल रही थी, तब देखा क्रिश के पेरेंट्स उसके कमरे में थे। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था, उसके डैड की अटल आवाज कमरे में गूंजी। तुम सब चीज इतने हल्के तरीके से कैसे आंक लिए, तुम्हें और तैयार रहना चाहिए था, उसके डैड ने कहा। क्रिश चुप था जब उसके डैड उसे डांट रहे थे। मुझे पता नहीं था यह कैसे हुआ था, पर उसके डैड को देखकर लगता था काफी स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से वह इतना मजबूत है। मुझे पता है दीपक ने सिचुएशन में काबू पा ली थी, पर अगर क्रिश को पहले 2 गोलियां नहीं लगती तो शायद हमारी ही जीत होती। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली यह सोचकर कि मैं उसकी कमजोरी हूँ। भगवान के लिए, वह अभी मौत के मुंह से निकला है, क्रिश की माँ ने क्रिश के डैड से कहा। मैं सांस छोड़ी, मैं भी उनकी जगह रहती तो मैं भी यही करती। मैं जानती हूँ कि यह दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। जिस हद तक वह टूट गए थे, ऐसा लगा था कि वह लोग भी मर रहे हैं। जैसे ही क्रिश की माँ मुड़कर मुझे देखी, उसकी आंख नरम हो गई। मोनिका ज्यादा मददगार साबित होगी हमसे भी, वह मेरे पास आते हुए अपने पति से कही। अब हम जा रहे हैं, तुम यहाँ रुको, उसे तुम्हारी जरूरत है। वह दोनों मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर कमरे से निकल गए। मैं जैसे ही क्रिश के पास आई, देखा उसका मूड काफी अच्छा हो गया। हाय कहता हुआ मेरे हाथ को पकड़ा। जब मैं उसके बेड के साइड में आकर बैठी, मैंने पूछा कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत अच्छा, उसने नखरे की मुस्कान दी और मेरे हाथ को सहलाने लगा। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछती, दरवाजे पर हलचल हुई। मैंने अपना सर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा तो अविनाश और खुशबू को आता हुआ पाया। उनके पास गई, खुशबू ने मुझे हग किया। हमें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ रहना चाहोगी, इसलिए हम तुम्हारे कपड़े और कुछ दूसरी चीज लेकर आए हैं जिससे तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, उसने कहा। थैंक यू, मैं मुस्कुराई और अविनाश बैग को सोफे पर रख दिया। क्या तुमने वह लाया है जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था, क्रिश अविनाश से पूछा, जिससे मैं सोच में पड़ गई। हाँ जरूर, अविनाश कोई चीज अपने पॉकेट से निकाला और क्रिश को दे दिया। वह चीज उनके हाथ में छुपी हुई थी, इसलिए मैं देख नहीं पाई। मैंने देखा अविनाश और क्रिश के बीच में जो बर्फ थी वह पिघल चुकी थी। अगर अविनाश अब भी क्रिश के ऊपर गुस्सा होता तो मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना पड़ता। उसका बेस्ट फ्रेंड अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया उसकी बहन को बचाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम निकलते हैं, तुम मुझे बता देना मोनिका, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो, खुशबू ने जल्दबाजी में कहा। उम्मीद करती हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, क्रिश, खुशबू ने जाने से पहले क्रिश से कहा, और अविनाश उसके पीछे पीछे चला गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा सब लोग हम दोनों को अकेले क्यों छोड़ देना चाहते हैं, जैसे कि वो डर रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब करेंगे। मैं क्रिश के बेड के पास आई और पूछा वह क्या है, उसने अपने हाथ खोला तो मैंने देखा वह वही मोतियों का नेकलेस था जो कभी उसने मुझे दिया था। मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो मोनिका, वह फुसफुसाया। क्या तुम मेरे लिए यह करोगी, मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैंने अपना सर हिलाया, उसके चेहरे पर राहत फैल गई। मैं बैठ गई तो उसने वह नेकलेस मुझे पहना दी। उसने सांस छोड़ी और संतुष्टि के साथ मुझे देखने लगा। मेरे बालों के गुच्छे को कान के पीछे किया और हल्का सा होठों को चूमा। काफी दिन हो गए थे मैं यही अस्पताल में थी। क्रिश के पेरेंट्स भी मेरे साथ अदला बदली करते थे, कभी कभी वह रात में रुक जाते थे तो मैं अविनाश के पास चली जाती थी, और आखिरकार वह मिशिगन चले गए और हम दोनों ही रह गए थे।
अविनाश और खुशबू भी कभी कभी खबर लेने आते थे। अब भी वह ठीक नहीं हो पाया था, उसे आराम की जरूरत थी। तभी उसके सामने मेरा फोन बजा और मेरे होठों पर एक पतली लकीर बना ली। माफ करना, मुझे ये कॉल लेना होगा। उसने सिर हिलाया, वह सोच रहा होगा कि मैं कॉल यहाँ क्यों नहीं ली। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। दूसरे साइड में जो औरत थी उसकी बात सुनकर मुझे काफी उत्साहित हो जाना चाहिए था, पर अजीब बात थी कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने कहा इसका नोटिफिकेशन मुझे भेजा था जब क्रिस अस्पताल में एडमिट हुआ था। मैं मेल चेक नहीं कर पाई थी। मैंने कहा थैंक यू, क्या वह मुझे थोड़ा टाइम दे पाएंगे? कुछ पारिवारिक मामला है जो मुझे सुलझाना है। यह एक इमरजेंसी है और मैं अस्पताल में हूँ। फिर मुझसे बात की और व्याख्या की आगे क्या होने जा रहा था। मैंने सब कुछ सुनकर याद करने की कोशिश की। आखिरकार फोन रखकर मैं सांस छोड़ी। किसने फोन किया था? क्रिस ने पूछा। मैंने झूठ कहा, स्टेसी का फोन था। क्रिस बेड में थोड़ा साइड में हट गया, कहा तुम यहाँ सो सकती हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती। मैंने कहा नींद में अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा मैं ध्यान रखूंगा, तुम कहीं और सोती हो, यह देखकर मुझे और दर्द होता है। और नर्स ने भी तो कहा है मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। मैं अपनी आंखें घुमाने लगी, उसे मैं क्यों रोकने में इतनी कमजोर हो जाती हूँ। उसने कहा पर्दा बंद कर दो। मैं हैरत में थी, क्यों हम क्या कुछ और करने जा रहे हैं? मैं अविश्वास से सर हिलाने लगी थी। हम कुछ गहरा नहीं करेंगे। मैं उसकी तरफ मुंह करके सोई थी। हमारे नाक एक दूसरे को छू रहे थे, आंखों में संतुष्टि थी। कोई कुछ नहीं बोला, वह मेरे गालों को हल्का सहला रहा था। कुछ पल के बाद मैंने उसके होठों पर अपने होठ को महसूस किया। हमारा किस काफी नर्म और मासूम था, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दी और धीरे धीरे सिसकी लेने लगी। हम धीरे धीरे किस कर रहे थे, पर मेरा दिमाग अलर्ट था। अपने खास जगह पर मैं उत्तेजना महसूस करने लगी थी। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसका क्या हाल हुआ होगा? मुझे पता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। वह अब मेरे गालों को और गले को चूमने लगा था, कंधे को चूम रहा था। मैं कांपने लगी। आखिर एहसास हुआ कि उसने कुछ निशान छोड़ दिए हैं। धीरे धीरे वह मेरे पेट पर आया और मुझे गुदगुदी महसूस होने लगी। मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी, मोनिका, उसने कहा मुझे चाहिए। नहीं, तुम चोटिल हो, मैं शिकायत की। अभी उसके स्पर्श से उत्तेजित थी, उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर मैं तुम्हें चाहता हूँ, अपनी अंबर आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा। मेरे ऊपर आ गया और मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ मोनिका। मैं कुछ नहीं कह सकी, बस इस आदमी को मुझे छूने दिया, मेरा स्वाद लेने दिया। धीरे धीरे हमारे बीच की सारी दीवार हट गई, बस वह नेकलेस मेरे गले में था। मैं उसके जिस्म में चोट के निशान देख सकती थी। इस बात का सबूत है कि उसने मेरे लिए गोली सही है। सबूत था कि वह मुझसे प्यार करता है। यह दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे साथ खेलने लगा, कहा तुम इतनी गर्म हो, मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें महसूस करने के लिए। मैंने कहा क्रिस हमें यह करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास प्रोटेक्शन भी नहीं है। पर उसने ड्रॉअर की ओर इशारा किया, मैं निगलने लगी। वह होने जा रहा था और फिर वह मुझ में समा गया। मैं उसके कंधे को भी पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि वह चोटिल था। पर मैंने देखा वह काबू में है, उसे पता है कि उसकी सीमाएं क्या है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैं अपनी सिसकी को रोकने की कोशिश की। मुझे पता है हम अस्पताल में हैं। हम दोनों हांफने लगे। क्रिस मेरे होठों को चूमा। मोनिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने फिर स्वीकार किया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने गले की गांठ निगलने लगी क्योंकि मुझे पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे होंठ कांप रहे थे जब मैं यह शब्द कहे, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कितना किस्मत वाला हूँ, कहकर उसने गहरी चुंबन दी। काश हम ऐसा ही रह सकते। वह मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिलहाल उसकी बाहों में मैं यही सोच सकती थी जब मैं यहाँ पर हूँ। आज हर एक कदम जो मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ले रही थी काफी भारी लग रहा था। मैंने अभी एक फोन कॉल किया था कहीं दूर जहां मैं जाने वाली हूं। 3 दिन पहले मैंने उनसे पहला कॉल रिसीव किया था और अपना इरादा बना लिया था। मैंने उसके खिड़की में झांक कर देखा तो क्रिस बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरा गला दर्द होने लगा, आंखों में आंसू बनने लगे थे, पर संदेह करने लगी थी क्या मैं यह करने की हिम्मत कर पाऊंगी, उसे छोड़ने की हिम्मत। अभी वह अस्पताल में पड़ा है, मेरी वजह से घायल है और मैं जो करने जा रही हूँ वह उसके जख्म को और गहरा कर देंगे। आंखों में आंसू निकल कर गालों में बहने लगे थे।
उससे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे अंदर एक दर्द हो रहा है, काश मैं उसके साथ और थोड़ा वक्त बिता सकती, पर मेरा वक्त ख़त्म होने को था। फिलहाल मैं रो रही थी, मेरा दिल बुरे तरीके से घायल था, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं उसे यह खबर दे सकूं और उसे सहने की शक्ति दो। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं यहाँ बैठे बैठे मोनिका का इंतज़ार कर रहा था। वह कैफेटेरिया में लंच करने गई हुई है, मुझे बुरा नहीं लगेगा वह कभी कभी यहाँ से बाहर शुद्ध हवा में जाए, पर हमारा घर कहाँ है, यह सोचकर मेरा दिल डूबने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूँ वह बॉस्टन में वापस नहीं जाना चाहेगी, यह उसे मार देगा और मेरे भविष्य बॉस्टन में है। मुझे जल्दी से सोचना पड़ेगा, पर इतने भी हड़बड़ी नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के भविष्य की योजना काफ़ी ध्यानपूर्वक बनानी होगी। दरवाज़ा खुला और वह अंदर आई, मेरा दिल दुगुनी तेजी से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, वह हमेशा मुझे ऐसे ही एहसास करवाती है। मुझे दोबारा मौका देने के लिए थैंक यू मोनिका। मेरे पास आकर बेड के सामने बैठ गई, नीचे देख रही थी, उसकी आंखों में उदासी थी। मोनिका, क्या गलत हुआ, मैंने पूछा। मेरी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। जब वह मुझे देखी मेरी सांस अटक गई, वह रो रही थी, उसकी आंखें लाल थी। बेबी, क्या हुआ है, मैं काफ़ी जल्दबाजी दिखाते हुए पूछा। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। क्या दीपक के साथ कुछ हुआ, पर मैं न्यूज़ देख रहा था, वह अभी जेल में है। क्या कोर्ट ने हमारे खिलाफ कुछ कहा, उसने अपना सर हिलाया, मेरा हाथ पकड़ा, कहा नहीं, उस बारे में कुछ नहीं हुआ। जितना अविनाश ने मुझे बताया वह सजा से नहीं बच सकता। और ज़्यादा आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। मेरे अंदर डर उठने लगा, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। क्रिश, मुझे नहीं लगता मैं यह कर पाऊंगी, उसने कहा। मुझे नहीं लगता हम ऐसे रह पाएंगे। अब मैं उसकी ओर देख रहा था, मुझे नफरत थी, उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। जब मैं टेक्सास में थी, मैं कुछ कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी, उसने कहा, और मेरे अंदर एक भयानक चीज़ पैदा होने लगी। आखिर वह मुझसे छुपाई, जरूर मेरे लिए वह अच्छा नहीं होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक कॉलेज ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। मैंने अपने शब्द खो दिए थे, उसका भविष्य मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारा भविष्य अलग अलग होगा। मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरे हाथ कांप रहे थे जब वो मेरे हाथ को सहला रही थी। अच्छी बात है मोनिका, हम किसी न किसी तरीके से यह काम में लाएंगे, हम साथ रहेंगे, तुम नहीं समझ रहे, उसने कहा, हम साथ नहीं रह सकते। यह वाक्य सुनकर मैं फटने वाला था। क्या मैं सही सुना, वह अचानक मेरे बारे में सब कुछ नहीं फेंक सकती। मैं जा रही हूँ, उसकी आवाज़ घुटने लगी और मुझे लगा मेरा दिल फिर से टुकड़ों में बट गया। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया, मैं गूंजा। मुझे एक झटका लगा, मैं बोल नहीं पा रहा था, पर यह तो यहाँ से मीलों दूर है, दुनिया के दूसरे कोने में, कांपते हुए सांस छोड़ी कहा, मैं यही चाहती हूँ क्रिश, और यह कॉलेज भी मुझे बीच सेशन में ही एडमिशन दे रहा है। बीच में यानी वह तो अभी चली जाएगी, मेरा परिवार इसमें सपोर्ट कर रहा है, उसने कहा, उन्हें पता है यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, और तुम जानते हो मैं यहाँ नहीं रह सकती, उसने अपने परिवार को कहा, मुझे नहीं, मैंने कहा, मोनिका तुम हमारे बीच में जो कुछ भी है उसे ऐसे नहीं फेंक सकती, मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, मैंने कहा, देखो मोनिका मैं जानता हूँ तुम नई शुरुआत करना चाहती हो, पर तुम मुझे दोबारा अपने से यूँ दूर नहीं कर सकती। तुमने मेरी आंखों में क्या नजर आता है, क्या मेरी आंखों में तुम्हें सिर्फ दर्द ही नजर आता है। अब मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे, मैं उसे इतना ज्यादा दर्द दिया कि वह ट्रॉमा में चली गई, मुझसे दूर भागना चाहती है और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। नहीं, वह फुसफुसाई, यह सच नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जब तक वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा मोनिका, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे लगा था तुमने मुझे माफ कर दिया है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर मैं एक और मौका चाहता हूँ। वह और ज़्यादा रोने लगी, मैं उसे कसकर हक कर लिया, दर्द को अनदेखा करके जो गोली लगने से मुझे हुआ था। बहुत रो चुकी हो मोनिका, मैं नहीं चाहता अब तुम रो, मैं तुम्हारे दर्द को दूर करना चाहता हूँ, हमारे रिश्ता कोई ऐसे मत फेंको, मैं भीख मांगी, तुम नहीं समझ रहे, उसने कहा, मैं यहाँ की नहीं हूँ, यहाँ अपना भविष्य नहीं बना सकती, लोग मुझे शर्मिंदगी की नज़र से देखेंगे और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही बनूंगी, तुम्हारे अपमान का कारण ही बनूंगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो, मेरा जबड़ा टाइट हो गया, कहा, ऐसा मत कहो, पर क्रिश तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे भविष्य यहाँ पर है, अटल होकर कही, तुम्हारी जिंदगी में आगे कई अच्छी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है, यहाँ के हो पर मैं यहाँ की नहीं हूँ, क्या मेरे कहने का मतलब समझ पाए। मेरा दिल टूटने लगा था, वह मेरे साथ नहीं चढ़ना चाहती,
पर फिर अगर मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा होता, उसे यूं अनदेखा नहीं किया होता, तो उसे छोड़कर नहीं गया होता, तो यह दीपक के कब्जे में नहीं फंसती और आज यह सब होता ही नहीं। मेरे गले की गांठ बड़ी होने लगी। क्या यही किस्मत है जो मुझे चुकानी होगी? मैंने तुम्हें माफ किया कृष, उसने कहा। इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। मैं इनकार से सिर हिलाने लगा। मुझे यह करना होगा, मुझे इसकी जरूरत है, उसने कहा। इतनी मतलबी नहीं हूँ कृष, देखो तुम, मैं यहाँ टैक्सेस में हूँ और तुमने अपना इंटर्नशिप पीछे कर दिया। मोनिका, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैंने कहा, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, पर मैं तुमसे यह करने को नहीं कहा था, उसने कहा। तुम देख नहीं सकते, उसने कहा, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, मैंने कहा। नहीं, और तुम्हें क्या कहूँ मोनिका, तुम मेरी ताकत हो, तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ करना, कहकर उठकर जाने लगी थी। नहीं मत करो, करके मैं उसके पीछे जाने लगा, अपने हाथ के ट्यूब खोलकर निकालने लगा था। नर्स मेरे पास दौड़कर आई। नहीं मोनिका, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? इस हाल में मैं तुम्हारे पीछे कैसे दौड़ूं? गोली से जब चोट लगी थी वह बहुत नरक से भी अधिक दुखा था, पर उसके मुकाबले कुछ नहीं जो मेरी अभी दिल में हो रहा था। वह मुझे छोड़कर चली गई, ऐसा लगा मेरे सीने में हजारों वार किया गया हो। उसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे गोली लगी थी, दिल धड़कना बंद हो गया था, उसकी वजह से धड़कन वापस मिली थी, चिल्लाने लगा था। अब भी कोशिश करने लगा कि उठकर खड़ा होऊं और उसके पीछे जाऊं। अंधेरा और आंसू से मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी। धीरे धीरे मैं अंधेरे में समा गया। कहानी मोनिका की जुबानी। 2 साल बाद पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। मैं नहाकर कपड़े पहनने लगी। आज मेरा इंटर्नशिप का पहला दिन है। अच्छा दिखना चाहती हूँ, मैं ब्लेजर और पेंसिल स्कर्ट पहनी हूँ। एक और बड़े तेल और गैस कंपनी में मुझे इंटर्नशिप मिली है। क्या अविनाश भी ऐसा ही महसूस करता था जब वह टेक्सास में पहला दिन इंटर्नशिप करने गया था? यह बात याद आते ही मैं पिछले ख्यालों में खो गई, जब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था और मेरे चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ गई। कभी कभी मैं जब सोने जाती हूँ, मुझे एहसास होता है मेरे सीने में जो बड़ा सा छेद है वह कभी भरा ही नहीं। अपने गले में वह मोतियों का माला पहनकर मुस्कुराहट आ गई। मैं उसे हमेशा पहनती हूँ, जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा खजाना हो। काफी उत्साहित थी। अविनाश का फोन आया। काफी देर बात करने बाद कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मोनिका। मेरे मोबाइल में एक और मैसेज भी था, क्रिश पहले दिन के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। मेरी दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं एक सिंगल सा टेक्स्ट यह भेजता है तो मेरे पेट में तितलियां क्यों नाचने लगती है। मैंने जवाब दिया थैंक यू, पर उसे कैसे पता चला मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करने जा रही हूँ? शायद अविनाश ने कहा होगा। पूरे समय मैं और क्रिस आपस में बात नहीं की। अब 2 साल पहले मैं उसे छोड़कर आ गई थी, उसे बता दिया था मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। नया प्यार पाना बहुत ही मुश्किल था। उसका घायल रूप हमेशा मेरे सामने आ जाता था। जब भी मैं सोचती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे चोट पहुंचाकर मुझे उससे कहीं ज़्यादा चोट पहुंची थी। कभी कभी वह मुझ तक पहुंच जाता है, हमेशा मेरे बर्थडे में मैसेज करता है, और क्रिसमस, नया साल, थैंक्स गिविंग, मैं भी ऐसा ही करती थी, सोचती थी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। उसके लिए यह पाना बहुत ही मुश्किल नहीं था, पर अविनाश ने मुझे जो बताया था वह अब भी सिंगल है। यह मज़ेदार है जब अविनाश हमेशा उसकी बातें लेकर आ जाता था जबकि मैं उससे कुछ भी नहीं पूछती थी। तुम्हें पता है क्रिश बहुत बिजी है, उसके पास किसी भी काम के लिए वक्त नहीं है। वह अभी हमारे ग्रुप में इकलौता सिंगल बंदा है। मेरे वैलेंटाइन डे अच्छा नहीं गया था, पर क्रिस से अच्छा था जब वह अपने कुत्ते के साथ बिताया था। यह सारी बातें अविनाश मुझे बताया करता था। मैं सांस छोड़ी। क्रिस की बात मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। हर एक दिन मैं उसके बारे में सोचती थी। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी जब मैं वह ऑयल गैस कंपनी में पहुंची। क्लारा मुझे मिली, कहा, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, मैं तुम्हारी मेंटर हूँ, और यह इथन है, यह भी इंटर्न है, तुम्हारे साथ काम करेगा। दोनों से मेल मिलाप के बाद उसने मुझे अपना काम समझाया और फिर कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई क्षेत्र हेड नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना काम डायरेक्ट डिपार्टमेंट हेड को रिपोर्ट करना होगा। क्लारा ने कहा, वह कल ही यहाँ ज्वाइन किया है, हेडक्वार्टर्स ने उसे भेजा है। जब उसके बारे में बात हो ही रही है तो तुम्हें बता दो, वो तुमसे मिलना चाहता है मोनिका। यह बड़ी अजीब बात है, क्लारा ने मुझे उसका डिपार्टमेंट बता दिया। मैं सोच में पड़ गई, अजीब बात है, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? कहीं मुझे टारगेट तो नहीं करना चाहता? पर मैं उसे दिखा दूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसके कमरे में गई तो क्या मेरा ध्यान खींचा, उसके नाम का बोर्ड, क्रिश कॉपर। मेरे सांस गले में अटक गई।
क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरा दिल सीने में किसी ड्रम की तरह बज रहा था। यह इंसान हमारे नए डिपार्टमेंट है, यह नामुमकिन है। क्लारा ने बताया था वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, किसी और कंपनी के लिए काम करता था। उसे 3 गुना सैलरी देकर यहाँ लाया गया है। 1 साल में उसने जो कुछ भी हासिल किया था उस वजह से उसने खुशी खुशी स्वीकार किया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तुम्हें उसे देखना चाहिए, वह यंग है और काफी हैंडसम। क्लारा ने उसके बारे में इतना ही बताया था। जैसे ही मैं अंदर उसके केबिन में आई, वह दीवार पर टिककर खड़ा था। सूट में था, बिल्कुल मर्दाना लग रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, वह खड़ा खड़ा बारिश देख रहा था। उसे मेरे अस्तित्व का आभास हुआ, वह मुड़ा। मेरे दिल अपने ही जगह पर जम गया। जब हमारी आंखें मिली, हमारी दुनिया बिल्कुल घूमना बंद कर दी थी, जैसे मैं सिर्फ उसे ही देख पा रही थी। काफी लंबा समय हो गया मोनिका, उसकी आवाज आई और मेरे आंखों में फिर से आंसू बनने लगे। उसने एक मीठी मुस्कान दी और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। मोनिका, उसके लिए मेरे दिल में जो जज्बात थे वह बिल्कुल भी नहीं गए थे। मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे जब मुझे एहसास हुआ वही इकलौता इंसान है जो मेरे दीवार को तोड़ सकता है कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। मैं उसका इंतजार कर रही थी कि वो मेरे पास आए। मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उसकी ओर दौड़ने लगी और उसने मुझे पकड़ लिया। क्रिश, मेरे मुंह से निकला, तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या यह साफ नहीं है? उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान थी। मैं यहाँ काम करता हूँ मेरे बॉस के रूप में, मैंने पूछा। उसने कहा, सच्चाई तो यह है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे अंडर काम करोगी। मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं किया बल्कि कंपनी की तरफ से तुम्हें लिया गया था, पर फिर मुझे तुम्हारा CV मिला जिससे मैं आश्चर्यचकित रह गया था। यकीन नहीं आ रहा था क्रिश यहाँ पर है, एक आसमान के नीचे ऑस्ट्रेलिया में। मोनिका, वह फुसफुसाया, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, खुशी के आंसू है। उसने कहा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ। जब उसने मेरे गले के मोतियों की माला देखी, कहा, तुम अब भी यह पहनती हो? मैंने कहा, हमेशा। वह मुंह दबाकर हंसा, कहा, तुम्हें पता है इससे मुझे मन कर रहा है। मैंने अपनी भौं ऊंची की, क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है तुम्हें किस करूं? उसने कहा, सांस छोड़ी, कहा, तुम कब से मुझे पूछने लगे हो? तुम तो बिना पूछे ही मुझे किस करते हो। वह फिर से मुंह दबाकर हंसा, तुम्हें पता है हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे भी बुरा, एक ही डिपार्टमेंट में। तुम्हें पता है लोग हमें ऐसा दिखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या कंपनी यह मानेगी भी? उसकी बात को सुनकर मैं इधर उधर देखने लगी तो लोग पहले ही काफी उत्साह लेकर हमें देख रहे थे। मुझे पता है तुम यहाँ रहना पसंद करती हो मोनिका, पर तुम में और मुझ में अगर उन्हें चुनना हो तो वह मुझे ही चुनेंगे। वह चाहते हैं कि मैं यहाँ काम करूँ, इतने बुरी तरीके से मुझे चाहते हैं। उसने नखरे की मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे बाहर फेंक देंगे? और भी बड़ी कंपनी है जो मुझे इंटर्न के हिसाब से लेने के लिए लाइन में खड़ी है, मैंने कहा। क्रिस हंसने लगा, कहा, सच में? और तुम मुझे काम से निकाल सकते हो? तुम मेरे बॉस हो, मैंने कहा। तुम्हें काम से निकाल दो? उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ निकाल दो। उसने कहा, देखो कौन बॉस बन रहा है। और मैं ब्लश करने लगी। उसने कहा, मेरे पास आओ। जब उसके पास गई वह मुझे चूमने लगा। धीरे धीरे हमारा किस जुनूनी हो गया और सब लोग शायद हमें देख रहे थे, पर अब परवाह नहीं। जब मैं उससे अलग हुई तो उसने कहा, मुझे माफ करना जो मैं तुम्हें इतना लंबा इंतजार कराया। एक और खुशी के आंसू मेरी आंख से बहने लगे। आई लव यू, उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लव यू टू। वह मुझे अपने करीब खींच लिया और फिर से जुनूनी चुंबन देने लगा और हम अब साथ रहने वाले थे हमेशा के लिए, कहानी क्रिश की जुबानी। और 2 साल हो गए थे जब मैं पर्थ में आया था। अभी उसके कैंपस के हॉल में खड़ा था, उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। वह अपने सहेलियों के साथ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जिससे मेरा दिल ऊष्मा अनुभव हो रही थी। अविनाश ने कहा, एक बार और उसके पापा मम्मी हंस रहे थे जब वह उसकी सहेलियां ग्रेजुएशन कैप को ऊपर उड़ाकर फेंक रही थी। इस दिन का इंतजार कर रहा था, उसके साथ यहाँ रहना अच्छा है, कहना कम होगा क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे इंतजार करना था कि वह अपना ग्रेजुएशन पूरा करे। मेरे यहाँ आने के बाद उसने अपनी इंटर्नशिप दूसरी कंपनी में ले ली थी, 6 महीने में उसे पूरा भी कर लिया था और फिर उसकी बची पढ़ाई पूरी की। हमारे लिए एक दूसरे को छोड़कर रहना लगभग नामुमकिन था, इसलिए वह कभी मेरे पास रुकती थी, कभी मैं उसके पास। पर अभी वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी का एक और पन्ना पलटे। मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर मैं तैयार हूँ। फोटो खींचना खत्म करने के बाद वह अपने मम्मी पापा के पास गई और मैं अविनाश से कैमरा लिया, कहा, लाओ तुम्हारी फैमिली का फोटो खींच देता हूँ। कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसके पापा चिल्लाए, क्रिश बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर हमारे साथ आओ।
तो मैं कैमरा दूसरे स्टूडेंट को पकड़ा दिया और मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। भगवान सबसे अच्छा एहसास है, मोनिका हंसने लगी। और मैं समझ सकता हूँ उसका ग्रेजुएशन पूरा करना उसके लिए कितना अच्छा है। अविनाश ने मोनिका से कहा, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। और इससे पहले कि मोनिका के पेरेंट्स वापस फ्लाइट पकड़ कर चले जाते, मैंने कहा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है मोनिका के बारे में। अभी ग्रेजुएशन को एक हफ्ता हो गया था, अब मेरी बारी थी उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट देने की, बाली की एक ट्रिप। एक छुपा हुआ बीच हमने ढूंढ निकाला था, वह बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यह जगह के बारे में कैसे पता चला? मोनिका खिलखिलाने लगी। मुझे लोकल लाइफ गार्ड से पता चला जब मैं सर्फिंग कर रहा था। हम दोनों हाथों में हाथ लिए लहरों के बीच में थे, बिल्कुल खाली बीच था। वह खिलखिला रही थी, मोनिका क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे पूछा। तभी एक बड़ी सी लहर हमसे टकराई। उसने कहा, माफ करना, तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक फिर से लहर आकर टकराई। उसने कहा, फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने कहा। उसे पकड़कर किनारे में ले जाने लगा, रेत के ऊपर गिरी और मैं उसके ऊपर आकर उसे पिंजरे में फंसा लिया। पानी हमारे पैर तक ही पहुंच सकती थी। वह मेरी हरकत से हांफ रही थी कि मैं फिर से वह सवाल पूछा, मोनिका स्पेंसर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा दिल सीने में काफी तेजी से धड़क रहा था, लहरों की आवाज से काफी ज्यादा। वह मुझे देख रही थी, मेरे बात को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे, उसमें प्यार और ईमानदारी थी। हाँ कृष, वह फुसफुसाई, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अचानक मेरा दिल मानो फटने को हुआ। मुझे लगा मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। इसका मतलब यह है कि मैं ही वह खुशनसीब इंसान हूँ जिसकी वह पत्नी बनना चाहती है, जिसके बच्चों को वह पालना चाहती है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं उसे वहीं पर प्यार करने लगा। वापस जब अपने विला में आया, मैंने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया। थैंक यू मोनिका। जब मैं हाथ हटाया तब उसकी नज़र में आया एक हीरे की अंगूठी। ज़्यादातर लड़के यह तभी देते हैं जब वह प्रपोज करते हैं, मैंने उससे कहा, पर मैं अलग हूँ। क्या तुम्हें यह पसंद आया? बहुत ज़्यादा, थैंक यू, यह बहुत ही खूबसूरत है। मोनिका ने कहा, नहीं थैंक यू। मैंने कहा, मुझ पर विश्वास करने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कृष। उसने कहा, और तुमने मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना दिया। नहीं पता मैं दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बन पाऊंगी या नहीं, पर मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। जब मैं उसे किस किया, उसने मेरी आंखों में पानी देखा। उसने कहा, मुझे लगा था लड़के रोते नहीं है। मैंने उपहास किया, लड़के रोते हैं। उसके साथ मैंने उसे आक्रमण किया और उसे चूमने लगा और उसकी हंसी की आवाज चारों ओर बिखर गई। कहानी मैक्स की जुबानी। 17 साल बाद मैं 17 साल का हो गया हूँ जब डैड ने मुझे यह खबर सुनाई। गुस्सा उतारने के लिए अभी टीवी में वीडियो गेम लगाकर खेल रहा था और बंदूक से विलेन कैरेक्टर को शूट कर रहा था। शीना चिल्लाई, मैक्स टीवी का साउंड धीरे करो, मैं लिली से बात कर रही हूँ। यह तो घंटों लिली से बात कर सकती है। किचन से डैड की आवाज आई, मैक्स तुमने साउंड धीरे नहीं किया, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को गोलियों की आवाज से नफरत है। उनकी कहानी मैं हजारों बार सुनी है। मॉम ने हजारों बार कहा है कैसे डैड हीरो बनकर उन्हें गोली से बचाया था और 3 गोलियां खाई थी। आखिरकार जब मॉम की आवाज आई तो मैं हार मान लिया और टीवी का रिमोट सीना को दे दिया। उसने कुछ न्यूज लगा दी जहां आदित्य माथुर के बारे में न्यूज दिखा रहे थे। किस तरह से इतनी कम उम्र में उसने कंपनी संभाली। आदित्य माथुर है कौन? शीना ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, वह फेमस बिलीनियर देव और फेमस सिंगर नेहा का बेटा है। क्या तुम गुफा में रहते हो? और उसकी एक बहन भी है लूना, वह भी तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क में रॉयल हेड्स में जाने वाली है। मेरा ध्यान फिर से टीवी में गया जहां वह अपने भाई के साथ चिपकी हुई थी। लूना को माइक पकड़ाया गया तो उसके दांत में लगा और उसके बाद जब बोलने गई तो गलत कैमरा में देख रही थी। उसके चेहरा कितना लाल हो गया था। मैं हंसने लगा। शीना ने कहा, इसका मतलब यह है कि यह काफी मजेदार लड़की है, इंतजार करो जब तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, मैं उसके प्यार में पड़ूंगा। सेलिब्रिटी की बेटी है और घर पर सबसे छोटी है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी होगी। दुनिया में भूकंप आ जाएगा तब भी वह अपने पापा के प्राइवेट जेट में बैठकर गाना गाएगी। कोई मौका नहीं है कि मैं उसके प्यार में पड़ूंगा, चांस नहीं है लूना माथुर। इतने सालों बाद यह परिवार फिर से ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क में जाकर सेटल हुआ। उसके आगे की कहानी जानने के लिए लूना और मैक्स की स्टोरी मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।